हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे Hello, हैं मार्केट, कमला नगर का मार्केट। हम सब जा Hi, रहे हैं friends. दीदी अंशुल, मेरा बेटा कंगीला, कमला okay. हम सब जा रहे हैं मार्केट में। भीड़ तो बहुत होगी दिवाली का, बट चलते हैं देखते हैं। फिर देखते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है थोड़े बाद, क्योंकि साड़ी मुझे लेनी है। मैं अपनी साड़ी लेने जा रही हूँ। हाँ, देखते हैं कमला नगर की में भीड़ कितनी है, फिर वहाँ से कुछ सामान वगैरह शॉपिंग करके फिर हम आएंगे। तो चलिए हमारे साथ, अभी सब लोग आ रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। बेटा शूज पहन लेना, मास्क ले लेना, ठीक है ना? ये रहा मास्क, सारी चीज़ें, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है। कोई है नहीं घर पर, इसलिए हम लेके जा रहे हैं, हम लोग साथ में सब लोग, कोई है नहीं ऐसे घर पर। हम ही लोग हैं, हम लोग जा रहे थे तो हम कहें चलो तुम भी। अब देखते हैं रास्ते में शरारत कितनी कर रहे हैं हम। तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए कमला नगर का मार्केट। आज तो निरंकारी वहाँ कैंप में भी मार्केट है, निरंकारी मार्केट, थर्सडे मार्केट जो लगता है, कि वहाँ चोर बहुत है। एक बार मोबाइल चोरी हुई थी, इस वजह से हम जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपको दिखाते हुए ले चलेंगे, वहाँ भी मेले, मतलब मेला क्या कह रही हूँ, मार्केट बहुत बड़ी लगी हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मार्केट कमला नगर। तो हम आ गए स्टैंड पे, अब यहाँ से रिक्शा पकड़े और निकल लिए। तो ये है कैंप का थर्सडे मार्केट, जो बहुत बड़ा चोर बाजार भी है और बहुत बड़ा मार्केट भी है। कपड़ों का हर चीजें मिलती है यहाँ पे। तो ये देखिए रास्ते में गुब्बारे कितने अच्छे अच्छे हैं ना, फ्लावर भी इतने प्यारे प्यारे। तो हम ये रिक्शा से निकल लिए थे कमला नगर में। तो ये कमला नगर का मार्केट है, ये देखिए गुब्बारे बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर मैं अपनी साड़ी ली और आ गई कमला नगर मार्केट में। तो देख रहे हैं कितनी भीड़, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। फिर रास्ते में बहुत सारे लालटेन दिखे, अब ये रास्ते में मुझे बहुत तंग कर रहा था। फिर आगे आए, एक बच्चा बैठा हुआ था, हमने कहा बेटा इसी से ले लो चलो, तो हम इसी से ले लिए। बहुत अच्छा अच्छा था, बेटा मेरा बहुत खुश हुआ। फिर यहाँ आगे जैसे बढ़े थे, ये देखिए छोटा सा एक बच्चा हमें मिला जो कि पॉप पटाखे दे रहा था। तो मुझे देखी, मैंने कहा बेटा पॉप पटाखे कर आंटी है, मैंने कहा दे दे बहू। तो मेरे बेटे को दिया 10। आंटी की मैंने कहा कितने का, कह रहा आंटी 10 का एक। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 10 दे दो मेरे बेटे को। फिर उसने दे दिया, तो मेरा बेटा बोला थैंक यू। तो उसने एक और दिया, कह रहा आंटी मेरी तरफ से ही दे दो इसे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ऐसे बच्चों को देख के, और ऐसे माँ बाप पर भी गुस्सा आता है कि ऐसे रोड पर अकेले क्यों बच्चों को छोड़ देते हैं, और त्यौहार का टाइम है। तो मुझे बहुत दुख हुआ भगवान पे भी कि आप ऐसे दिन किसी के जीवन में क्यों लाते हो कि आदमी ये सफ़र करे। तो फिर हम ले लिए सब कुछ, लेके मार्केट से निकल लिए थे रास्ते में, क्योंकि आते आते हमारे घर पे 9 बज गया था। तो ये है आपका कैंप का मार्केट, और देखिए ये रेस्टोरेंट होटल कितने अच्छे अच्छे सजा रखे हैं ना, साथ सजावट। तो वहाँ से निकले तो देखिए सब रोड पे बैठे हुए हैं 2 रुपए के लिए अपने। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।